स्टंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल चिकन। स्पेशल चिकन गाइस, नहीं सरप्राइज क्या बोल देते हैं ना। अच्छा। गाइस हम बनाने वाले हैं आज एक नया रेसिपी जिसका नाम है बेगमती मुर्ग। मैंने ये नाम सुना ही नहीं एक्चुअली। ये बेगमती मुर्ग, बेगमती मतलब राजा महाराजाओं की जो बीबियां होती थी उनके जैसा ये नाम लग रहा है, बेगमती। अब इसका नाम बेगमती क्यों है ये मुझे नहीं पता, अभी ये बताएगी इसका नाम बेगमती क्यों। नहीं मुझे भी एक्चुअली नहीं पता। ये एक्चुअली JW मैरियट में बहुत ही पॉपुलर डिश हुआ करता था, वो तो उधर का टॉप डिश था। बट बहुत सिंपल है अपेरेंटली ये बनाना, घर पे कोई भी बना सकता है। सो लेट्स गो एंड ट्राई दैट डिश टूडे, क्योंकि एक्चुअली इंग्रीडियंट जो है वो सब मेरे घर पे थे, मुझे कुछ अलग से खरीदना ही नहीं पड़ा। तो इसीलिए वी थॉट वाई नॉट गिव इट अ ट्राई, इजी लग रहा है एक्चुअली, कुछ भी नहीं है सच में देखा जाए तो। बट लेट्स गो एंड ट्राई दिस। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस रेसिपी के लिए और खाने के लिए ये जनाब एक्साइटेड है। सूस शेफ, माय सूस शेफ विल बी असिस्टिंग मी टुडे। आफ्टर दैट सारा खाना मेरा, आफ्टर दैट तो यही लूटने वाला है। सो लेट्स गो। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू द रेसिपी गाइस, ऑफ कोर्स आपकी कहानी आपकी जुबानी के लिए स्टोरीज भेजे, मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज भेजे, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करे और हम लोगों को वहां पे मैसेज करे ताकि आइदर हिम और मी हम लोग देख ही ले कि आपके आपने स्टोरीज भेजे है कि नहीं। या तो फिर आप ईमेल भी कर सकते हो हमें, हमारे इंस्टाग्राम के लिंक और ईमेल आईडी दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी के लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा पेज पे ही पहुंच जाओगे। सो गाइज प्लीज आपके स्टोरीज भेजो, आपके रेसिपीज भेजो। आज की रेसिपी शेयर करना ना भूलें। हाँ, बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट, बहुत स्पेशल। यस यस एब्सोल्युटली। सो जो नॉन वेज लवर्स हैं उनके लिए तो मतलब ये मस्ट ट्राई है। एब्सोल्युटली आप बनाइए, हम आपको दिखाते हैं कि क्या बनने वाला है। एब्सोल्युटली। सो लेट्स गो एंड कुक द बेगमती मुर्ग। बेगमती, तो बेगमती मुर्ग के लिए हमने ले ली है स्प्रिंग अनियंस, धनिया और मिर्ची। इसको अभी हम अच्छे से धो लिए हैं और अभी इसको हम ये जो पानी थोड़ा गर्म होगा इसमें डाल के एक मिनट के लिए उबालेंगे। और फिर इधर पे विवेक ने प्याज चॉप करके रखा है, जैसे आप देख सकते हो इसको एकदम छोटी छोटी चॉप करना है, या तो आप प्याज पेस्ट भी बना सकते हो। और मैंने विवेक एक मिनट ये भी दिखा दो, काजू पेस्ट जो बनाए हैं हमने, तो इधर भी 10 से 12 काजू लेके हमने इसका हल्का सा, थोड़ा सा ही काजू चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये भी रेडी है और एक नींबू भी काट के रेडी रखेंगे। तो अभी पहले हम इसको उबालेंगे, फिर इसको उबाल के डायरेक्ट हम ठंडा पानी में डालेंगे और ठंडा पानी में डाल के फिर इसको हम मिक्सी में पीसेंगे ठंडा करके। सो गाइस ये अभी उबल गया है, एक मिनट हो गया, अभी हम इसको बंद करके ठंडा पानी में डालेंगे इसको। तो ये अभी ऐसे उठा के डायरेक्ट ठंडा पानी में डालना है। आप चाहे तो इसको आइस वाटर भी रख सकते हो, हमारे घर में आइस नहीं था तो हमने चिल्ड पानी लेके अब हम इसमें डाल रहे हैं। पानी में अच्छे से डुबो देना विवेक। तो गाइस अभी मिक्सी में हमने ये डाल दिया है और अभी हम डाल रहे हैं नींबू का रस, एक अक्खा नींबू का रस इसमें हम निचोड़ देंगे और फिर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अभी हमने कढ़ाई में ले ली है तेल और ये सरसों का तेल लिया है बिकॉज विवेक्स फेवरेट, वी हैव टू कुक इन दिस। आई होप वो ग्रीन कलर जो है वो बराबर आए, बट एनीवेज हमने तेल ले लिया है। इसको गरम करके इसमें हम डाल देंगे 2 इलायची और फिर उसके बाद जो प्याज कटी हुई प्याज है ये हम इसके बाद इसमें डाल देंगे। तो हमने इसमें भी प्याज डाल दिया है और प्याज फ्राई हो रहा है। अभी आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। तो अभी डल रहा है इसमें थोड़ा सा नमक
कटा हुआ प्याज है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया अभी हमने, थोड़ा सा और नमक डाल दो, देख थोड़ा सा और लगेगा, हाँ डाल दो, हाँ और अभी डाल दो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हाँ डाल दो, डालो डालो, अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो प्याज में नमक और अदरक लहसुन डालने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो इसको मिक्स करके करीब 5 से 7 मिनट तक इसको पकाना है, जब तक कि चिकन का तेल जो है वो थोड़ा सा निकल रहा है। तो गाइस यू कैन सी कि कैसे वो तेल निकल गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, मैं तो अपने अंदाजे से डालती हूँ गाइस, चम्मच का अंदाजा से। फिर इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नहीं, 1 चम्मच, 1 नहीं 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और बस 1 चिमटा हल्दी, इतना सा ही हल्दी बस। अभी इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो गाइस ये मसाले डालने के बाद आपको कंटिन्यूस 2 से 3 मिनट तक इसको स्टर करना है ताकि जो मसाला है वो चिपके ना और हल्का हल्का तेल भी निकलने आएगा, जिसके बाद हम डालेंगे जो काजू पेस्ट बनाए थे वो डाल के फिर मिलाएंगे। तो गाइस अभी हमने काजू पेस्ट डाल दिया है और अभी इसको हम 10 से 15 मिनट्स मतलब 10 से 15 मिनट इसको लो फ्लेम में पकाएंगे। तो गाइस लाइक यू कैन सी तेल निकल आया है और अभी इस पे हम थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे। काली मिर्च डालने के बाद इसको हम स्टर करेंगे वापस 2 से 3 मिनट। चलो तो अभी हम इसमें जो पत्ते उबाले थे जो पानी था वो पानी थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे और इसको हम मिला लेंगे। अभी गाइस इसको ढक के कुछ देर पकाना है, करीब 2 से 3 मिनट बस, उससे ज्यादा नहीं। सो गाइस अभी हम ये पेस्ट जो है ये हम डाल रहे हैं इसमें, अभी थोड़ा सा इसमें पानी डाल के हमने डाल दी बस, उतना सा ही पानी, ज्यादा पानी नहीं डालना है गाइस, वरना चिकन फिर ओवर कुक हो जाएगा और ग्रेवी एकदम पानी पानी रहेगा। अभी हम इसको मिला देंगे। तो विवेक प्रोसेस कैसा लगा तुम्हें इसका? मस्त है, थोड़ा मस्त प्रोसेस है, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है और बहुत ही बारीकी से इसकी रेसिपी देखे, मतलब थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना तो थोड़ा सा टेस्ट में ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे से एक गलती हुई, मैं थोड़ी सी पानी ज्यादा डाल दी थी, कोई बात नहीं, उतना पानी भी नहीं डालना चाहिए था, बट इट्स ओके, वी नीड मोर ग्रेवी। हम मैनेज कर रहे हैं उसको, शायद बैलेंस हो जाएगा, शायद हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है तरीका खाना में, अगर गड़बड़ होता है तो कैसे करते सही, देखते हैं अभी। सो ट्राई करता हूँ कि मस्त वाला बने और एग्जैक्ट वही बताऊंगा जैसा बना है, तो अभी मैं इसको बनने के बाद ट्राई करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस बेगमती मुर्गी इज रेडी एंड दिस जस्ट लुक्स अमेजिंग। सो टेस्ट किया तुमने अभी बेगमती मुर्ग, बेगमती मुर्ग ना, बेगमती मुर्ग। तो ये भैया किसी बेगम की मुर्ग थी मेगम, हाँ सॉरी, मतलब इसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। तो बहुत ही यम्मी बना था, अभी मैं दबाने वाला उसको रोटी के साथ और राइस के साथ भी। मैं राइस के साथ खाने वाली हूँ। आप ये किसी के साथ भी, या तो राइस या तो रोटी के साथ खा सकते हैं,
that whole smell of the dhaniya and the spring onions is so amazing. मस्त लग रहा है गाइज. और अगर आपको लास्ट में थोड़ा सा ऐसे वॉटरी या कुछ फील हो बिकॉज इट्स ऑल लीव्स, आप थोड़ा सा हल्का चीनी भी ऐड कर दोगे ना एंड में, तो वो एकदम से वो मद और मतलब वो दैट पांचा वाला फीलिंग जो थोड़ा सा वॉटरी फीलिंग होती है वो भी चला जाएगा और मस्त टेस्ट आता है. माय गॉड इट्स सो यम्मी. तीखा भी नहीं है ज्यादा. हाँ बिल्कुल तीखा नहीं, मतलब मिक्स एकदम मिक्स में बैलेंस बैलेंस और बहुत मजेदार है. यस सो गाइस ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा रेसिपी. और ट्राई करें तो जरूर बताना कि कैसा लगा. जो भी आपके फ्रेंड है जो अकेले रहते हैं या घर पे रहते हैं जो नॉनवेज कभी कभी बनाना पसंद करते हैं जैसे मेरी तरह, सो उनको तो आप मतलब मस्ट मतलब कंपलसरी उनके लिए कि ये आप उनको शेयर करें. हाँ, क्योंकि घर में इंग्रेडिएंट्स से ही इतनी बन जाती है, हिसाब से वो पक्का बनाएंगे क्योंकि ये बहुत हेल्दी खाना है. हाँ बहुत अच्छा है, टेस्टी है और बन जाता है. थोड़ा टाइम लगता है बनने में बट अदरवाइज इंग्रेडिएंट्स एकदम सिंपल है गाइज, बहुत सिंपल. सो प्लीज गाइज ये शेयर करें ज्यादा से ज्यादा एंड आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग. डेफिनेटली कमेंट करके बताए. तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन बाय.